हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ओडिशा। तो दोस्तों, अगर आप एक वन प्लस यूजर हो या फिर आपको वन प्लस की फ़ोन यूज़ करना पसंद है या फिर आप वन प्लस को बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं तो दोस्तों ये इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें वन प्लस एट की अपडेटेड वर्जन जो कि वन प्लस एट प्रो फोन के बारे में। तो दोस्तों, इस फोन में आपको बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखिए लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वन प्लस एट की तरह वन प्लस एट प्रो में भी आपको देखने को मिल सकता है 6.78 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है 82.94% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। दोस्तों, उसके साथ साथ आपको फ्रंट में एक पंच नॉच देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उसकी रैम और रोम की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको वन प्लस एट प्रो में आपको देखने को मिल सकता है 8GB रैम, उसके साथ साथ आपको 128GB रोम देखने को मिल सकता है इस फोन में। तो दोस्तों, इस फोन में आपको दो वेरियंट में आ सकता है या फिर तीन वेरियंट में भी आ सकता है, लेकिन अभी जो वेरियंट अवेलेबल है ये 8GB प्लस 128GB। दोस्तों, इसमें आपको एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, चले बढ़ते हैं और बात करें उसकी अदर कनेक्टिविटी की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको वन प्लस एट प्रो में आपको देखने को मिल सकता है USB टाइप, जो कि इसका वर्जन देखिए 3.1 के वर्जन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल सकता है जो कि 30W की। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उसकी 3.5mm हेडफोन जैक की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको USB टाइप देखने को मिलेगा। वन प्लस एट में भी आपको USB टाइप से ही काम चलाना पड़ेगा हेडफोन जैक की। दोस्तों, ये इस दोनों वेरियंट के फोन में आपको USB टाइप ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 3.5mm हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें उसकी फिंगरप्रिंट सेंसर की, दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है, जो कि एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उसके साथ साथ आपको फेस अनलॉकिंग सिस्टम भी दिया गया है इस फोन में। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उसकी कैमरे की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको 48MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ आपको और एक 48MP का कैमरा देखने को मिल सकता है, और उसके साथ साथ आपको 8MP और 5MP का दो कैमरा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करें उसके फ्रंट कैमरे की। दोस्तों, फ्रंट में आपको देखने को मिल सकता है 16MP का पंच होल नॉच में जो कैमरा, उसके साथ साथ आप यहाँ पर 18 पिक्सल तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट में। तो दोस्तों, रियर साइड में आपको 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड की सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें उसके एंड्रॉइड सिस्टम की, दोस्तों यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल सकता है विद आउट ऑफ द बॉक्स। दोस्तों, अगर बात करें उसके प्रोसेसर की, दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 865 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है विद 2.84 GHz ऑक्टाकोर के साथ। तो दोस्तों, अगर हम फाइनली बात करें उस फोन की बैटरी की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल सकता है 4510mAh की बैटरी, जहाँ पर आपको 30W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस फोन में आपको बहुत ही कमाल की चीज़ें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें उसकी अपकमिंग डेट और प्राइस की, तो दोस्तों इसका जो अपकमिंग डेट रखा गया है यहाँ पर अप्रैल 14, 2020 को यहाँ पर इसका अपकमिंग डेट रखा गया है। तो दोस्तों, लॉन्च होने के बाद एक्चुअल डेट में पता चल जाएगा कि ये फ़ोन कब लॉन्च होने वाला है, लेकिन उसका जो कंफर्म डेट रखा गया है अप्रैल 14 को रखा गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उस फोन की प्राइस की, दोस्तों यहाँ पर इस फोन का प्राइस होने वाला है कुछ 54,000 के आसपास ये फ़ोन आपका लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, ये रहा वन प्लस एट प्रो के बारे में फुल स्पेसिफिकेशन और पूरी तरह प्राइस और कंफर्म रिलीज डेट। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों, नीचे जरूर कमेंट करें, दोस्तों नीचे कमेंट करके बताएं कि वन प्लस एट प्रो का किस किस को इंतजार है।